सादर जय सियाराम मित्रों, मैं संदीप मिश्र शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, ये मैं आशा करता हूं। भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी हुई होगी। इस समय कोरोना के दौरान भी आप लोग सुख समृद्धि आप लोगों के यहां व्याप्त होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं भगवान नारायण से। और मैं इस समय एक आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक ख़ास टॉपिक पर है। आज मैं बैठा था यूं ही तो मेरे मन में आया कि मैं कुछ दिनों से कूर्म पुराण का अध्ययन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके आप लोगों को भी उस पुराण के बारे में बताया जाए कुछ। तो आज ये देखिए कूर्म पुराण है, गीता पुरुष की पुस्तक है, मैं इसका इस समय अनुसरण कर रहा हूँ, आप लोग भी मंगवा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो बात हुई है वो व्यास इनके सूत जी महाराज के बारे में कुछ देर तक बात हुई, 8-9-10 श्लोकों तक। उसके बाद इसमें एक बहुत पॉइंटेड चीज़ बताई गई, पुराण लक्षण क्या हैं, पुराणों के लक्षण क्या क्या होने चाहिए, इसके बारे में इसमें बातचीत की गई है। तो एक श्लोक आता है जो पुराण के बारे में बताता है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुसरितं चैव पुराणं पंचलक्षणं। पुराणों के पांच लक्षण होते हैं। जैसे आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप पुराण ही पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये लक्षण होने जरूरी हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये कोई पुराण है अथवा नहीं है। क्योंकि आधुनिक युग में आज के समय में तो आपको व्यथा के पुराण मिल जाएंगे, दुनिया भर के पुराण, कोई ये पुराण कोई वो पुराण। तो इसमें क्या होता है कि आदमी कंफ्यूज रहता है कि 18 पुराण हैं तो उनमें से 18 पुराण में से कौन सा पुराण है, कौन सा उप पुराण है। तो इसके बारे में ये वीडियो है और मैं आज बताऊंगा भी आपको। तो ये पांच लक्षण होते हैं। सर्ग का तात्पर्य होता है सृष्टि, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, ये रचना ये बातें जहाँ जहाँ हों उनको समझना चाहिए कि ये जो है पुराण है। दूसरा नंबर है प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग यानी कि प्रलय, जिनमें प्रलय का वर्णन हो। और तीसरा नंबर है वंश, जिनमें वंश वृद्धि का पूरा एकदम जो है वर्णन हो। और वंशानुचरित, जिनमें किसी वंश के किसी व्यक्ति को लेकर के उसका चरित्र भी बताया गया हो, ये भी पुराणों के लक्षण हैं। और मन्वंतर, जिसमें मन्वंतर का जिक्र हुआ हो, मन्वंतर का बार बार आपको बताया गया हो कि मन्वंतर क्या होते हैं, ये पाँच चीज़ें हैं जो पुराणों के लक्षण हैं। अब इसके बाद बात आती है कि पुराण होते कितने हैं। तो इसमें सूत जी महाराज ने बताया कि पुराण होते हैं 18 महापुराण होते हैं, 18 उप पुराण होते हैं। अब इसमें सुनिए कि 18 महापुराण यानी पुराण जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे पुराणों में आता है ब्रह्म पुराण, ब्रह्मम पुराणम प्रथमम पद्मम वैष्णवमेव च। प्रथम पुराण है जो है वो ब्रह्म पुराण, द्वितीय पुराण है पद्म पुराण, इसी प्रकार क्रमशः विष्णु शिव भागवत भविष्य नारद मार्कंडेय अग्नि ब्रह्मवैवर्त लिंग पुराण वाराह पुराण स्कंद पुराण वामन कूर्म पुराण मत्स्य पुराण और गरुण पुराण, और 18वां पुराण जो है वो ब्रह्मांड पुराण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये 18 महापुराण हैं, ये कूर्म पुराण के अनुसार है, संभव है कि किसी और पुराण में किसी और तरीके से मिले। तो ये 18 पुराण है, इनको आपको जान लेना है। और इसके बाद बात आती है उप पुराण कौन कौन से हैं। जैसे कहीं आपको कोई पुराण ऐसा मिलता है जिसको आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये भी पुराण है तो ये भी पुराण है, तो ऐसे कुछ लोग सोचते हैं कि 18, 20, 22, 25 पुराण हो जाते हैं, तो आपको ये समझना है। और उप पुराणों में सबसे पहला पुराण जो आता है उसको भी आप समझ लीजिए, ये 18 महापुराण है इनको नोट कर लीजिए आप, उसके बाद उप पुराण का नंबर आता है। तो उप पुराणों में सबसे नंबर एक पर जो है उसको सनत कुमार पुराण कहा जाता है, ये सनत कुमार जी के द्वारा कहा गया है। और दूसरे नंबर पर आता है नरसिंह पुराण, इसके बाद स्कंद पुराण, स्कंद जी के द्वारा कहा गया है। और उसके बाद जो पुराण है उसको शिवधर्म कहते हैं, शायद शिवधर्म का तात्पर्य शिव पुराण से भी हो सकता है, या कुछ विद्वानों के बाद पूछने के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये नंदीश्वर भगवान शिव के द्वारा कहा गया है इसीलिए मैंने ऐसा कहा। उसके बाद महर्षि दुर्वासा के द्वारा कहा गया जो आश्चर्य पुराण है वो 5वें नंबर पर है। 6ठा पुराण महापुराण उप पुराण जो है वो देवर्षि नारद जी के द्वारा कहा गया, जिसको नारद पुराण कहते हैं, नारद पुराण भी हम लोग पढ़ रहे थे बीच में। इसके बाद 7वां कपिल पुराण, 8वां मानव पुराण, और शुक्राचार्य जी के द्वारा कहा गया 9वां पुराण जो है उसको उसना नाम से जाना जाता है। और 10वां पुराण ब्रह्मांड पुराण है, 11वां पुराण वरुण पुराण, और उसके बाद कालिका पुराण के नाम से 12वां पुराण, 13वां पुराण है महेश्वर पुराण, 14वां शाम पुराण, और शौर पुराण, पराशर पुराण, और मारीच पुराण, और सबसे अंतिम में भार्गव पुराण आता है। ये 18 उप पुराण हैं। तो मैं आप लोग आशा करता हूँ समझ चुके होंगे कि महापुराण यानी पुराण और उप पुराण में क्या अंतर है। तो कभी भी आपसे कोई भी पूछता है तो ये आप बताइए कि कूर्म पुराण के अनुसार इतने पुराण हैं और इतने उप पुराण हैं।
आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, इसी क्रम के अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सादर।